आएगी तो सभी को जेल में डाल देगी। प्रश्न मतलब केजरीवाल जी ने ये कहा है कि भाजपा की सरकार दोबारा आएगी तो सबको जेल में डाल देगी, अभी भी यही काम कह रही है। हम लोग तो जनता के बीच यही दिखा रहे हैं कि वो चाहते नहीं है कि इस देश में लोकतंत्र बचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये चाहते नहीं है कि देश में लोकतंत्र बचे और यही करते आए हैं। तो अपने पास उनके पास वो 3-4 एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उसका भय दिखा के, विपक्ष के नेताओं को डर दिखा करके यही काम करते आए हैं और आगे इस देश की जनता मौका नहीं देने जा रही है। वहीं हम लोग की सरकार बनने जा रही है और हमारी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे, हमारी सरकार इसकी भी जांच कराएगी। जिस तरह से विपक्षी नेताओं की जांच आज प्रधानमंत्री जी करा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से ही हम लोगों ने भी सीखा है कि हम भी जो इस तरह का आरोप है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी किया है कि असंवैधानिक है, तो हमारी सरकार भी इसकी जांच करेगी और जो लोग दोषी होंगे उसमें उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो चुनाव लड़ रहे हैं ना, करे ना करे उसे क्या फर्क पड़ रहा है, पवन सिंह जी अपना लड़ रहे हैं चुनाव। राजीव गांधी यादव वाल्मीकि नगर में कर रहे हैं चुनाव प्रचार, से भी करना भी चाहिए, कर रहे हैं, अच्छी बात है, बधाई देते हैं। माता जी क्योंकि देखिए हर एक जगह जहाँ भी संभव हो रहा है बिहार की जनता, देश की जनता इस बार खुद से, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए खुद से लोग कोशिश कर रहे हैं, अपने स्तर से जिनसे जो संभव हो रहा है वो काम कर रहे हैं। आज माता जी भी उतरी हैं आपके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, माता जी उतरी हैं और अच्छी बात है। जब परिवार का कोई सदस्य लड़ता है और फिर वो मेरी माता जी नहीं है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, उनका भी कुछ पार्टी के प्रति दायित्व है, वो पार्टी के सदस्य है, मुख्यमंत्री रही है, MLC है, अभी स्टार प्रचारक है, उतरी है।